हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम गाइस, कैसे हो सब। तो आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सबको नाराज़ कर रखा है वीडियो ना डाल के। इसके प्रीवियस एपिसोड में चलते हैं। सो ये होता है कि जिया और रूही जो होते हैं, उन दोनों की शादी हो जाती है, और शादी के बाद जी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं ना। शादी वाले एपिसोड्स को मैंने काट दिया था, क्योंकि उस टाइम मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, लेकिन मुझे वीडियो अपलोड करनी थी इस वजह से। तो अगर आप लोग कहोगे कि हाँ भी हमें शादी वाला बिल्कुल चाहिए एकदम, कि हाँ भी कैसे हुआ था, क्या हुआ था, सारे फंक्शंस वगैरह, या ऐसे ही अगर आप लोगों को सुनना हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, कोई इशू नहीं। 2-4 दिन में मैं उन्हें भी सोच के डाल दूँगी। फ़िलहाल इस वाले एपिसोड को कंटिन्यू कर देना। सो जी एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इन दोनों की हो जाती है जी शादी, और शादी के बाद जी इनकी फर्स्ट नाइट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक बीतती है, क्योंकि उसके अंदर जिया जो होती है वो रूही को काफ़ी तंग कर रही होती है। लेकिन रूही भी कहाँ पिछड़ने वाली होती है, वो भी जिया को काफ़ी ज़्यादा तंग करती है। और उसके बाद इन दोनों की क्यूट फाइट, पिलो फाइट, ये तकिए के अंदर जो कॉटन होता है उसे जी हवा में उछालते हैं, उसके बाद जी उसके साथ स्नोफॉल वाली बारिश भी करते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा रोमांस करते हैं। और कुछ ज़्यादा ही लेट्स होते हैं ना, जिसकी वजह से ये उठने में भी लेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें अपनी मम्मी से थोड़ी सी डांट खाने को भी मिल जाती है। लेकिन डांट खाने के बाद भी इन दोनों को कहाँ सब्र होता है ना, मतलब कि प्यार वाले पंछी हैं, उड़ेंगे तो उड़ेंगे ही। तो उसके बाद रूही जो होती है वो सब लोगों के लिए जी मीठा बनाती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि दादी को डायबिटीज़ है। लेकिन जिया जो होती है वो सारी चीज़ों को संभाल लेती है। तो उसके बाद रूही जो होती है वो जिया से पूछती है कि ये हलवा तो मैंने शुगर फ्री नहीं बनाया था, फिर कैसे बना। तो जिया कहती है कि बाबू आपने नहीं बनाया था, लेकिन मुझे तो पता था ना, तो मैंने इसे बनवा दिया शुगर फ्री। तो रूही जो होती है फिर जिया को ना हक कर लेती है। तो ये दोनों जी एक दूसरे को हक करके ऐसे खड़े ही होते हैं कि इतने में जिया की जो मम्मा है वो वहाँ पर आ जाती हैं। तो वो कहती हैं जिया रूही, तो वो दोनों जो होते हैं वो थोड़े एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और कहते हैं जी माँ। तो उनकी मम्मी कहती है कि जिया क्या तुम्हें पता नहीं है। तो जिया कहती है हाँ मुझे पता है ना, आप मुझे बहुत प्यार करते हो। तो जिया की मम्मी कहती है तो जिया कहती है अच्छा मामा पता हो ना, क्या हुआ क्या हुआ क्या हो गया। तो जिया की मम्मी कहती है तुम भूल गए ना, आज सैटरडे है, तुम्हें पूजा करनी है और फिर संडे है। तो जिया कहती है ओफो माँ ये। तो उसकी मम्मी कहती है कि क्या ये तुम्हें पता है ना। तो रूही कहती है अरे मामा मुझे तो पता, आप दोनों कब से एक दूसरे के साथ पता पता कर रहे हो, मुझे भी तो कुछ पता चले ना। तो जिया की मम्मी कहती है तुम्हें जिया ने बताया ही। तो जिया कहती है कि मम्मी टाइम ही नहीं मिला ना, कैसे इसे बताती। तो रूही कहती है हाँ तो आप बता दो ना, अब टाइम है। तो जिया की मम्मा कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ, ये पागल है, ये तुम्हें कुछ नहीं बताती। तो रूही कहती है जी माँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये पागल ही है, ये सच में मुझे कुछ नहीं बताती ना, इसने मुझे ये भी नहीं बताया कि आज मुझे मीठा बनाना है सबके लिए, पागल कहेंगी। तुम्हारी वजह से अगर मुझे दादी से डांट पड़ जाती ना, फिर तुम देखते क्या तुम्हारा हाल करती मैं। तो जिया कहती है अरे बाबा तो पढ़ी तो नहीं ना। तो रूही कहती है अगर पढ़ जाती तो जिया कहती है ओ पढ़ी नहीं ना, जो काम हुआ ही नहीं है उसके लिए क्या चिंता करनी है तुम्हें, और तुम मम्मी की बात सुनो, मम्मी कुछ कह रही है, ये नहीं अपनी सासू माँ की कोई बात भी सुन ले, चलो एक तब मुझसे लड़ती रहती हो। तो रूही कहती तुम, तो जिया की मम्मी कहती क्या तुम दोनों अब मेरी बात सुनोगे, स्टॉप करो अपनी लड़ाई को, शादी हो गई है तुम्हारी, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम दोनों। तो जिया कहती मम्मा ये मुझसे लड़ रही है, मैं इसे दौड़ना लड़ रही हूँ। तो रूही कहती माँ आपने देखा ना, ये मुझसे लड़ती है, मैं इसे कहाँ लड़ती हूँ। तो जिया की मम्मी कहती है प्लीज़ बच्चों अब तुम बड़े हो गए हो, बड़े बन भी जाओ, शादी कर लिया तुम लोगों ने, क्या बचपना दिखा रहे हो। तो रूही कहती है मम्मा इन बातों को छोड़ो ना, आप मुझे कुछ बता रही थी, बताओ ये ना। तो जिया की मम्मी कहती है हाँ, तो जिया रूही अब तुम दोनों अकेले नहीं रहोगे। तो रूही कहती क्यों। तो उसकी मम्मी कहती है कि अभी तुम दोनों को एक पूजा करनी है, और उसके बाद 2 दिन तक तुम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, अब मतलब कि तुम लोग मंडे को ही एक दूसरे से मिलोगे ना। तो रूही कहती है आंटी
मतलब मम्मा ये कैसी रस्म है, ये क्या 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 कहा है क्या, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। तो उसकी मम्मी कहती है कि बेटा मैं तुम्हें समझाती हूँ आज क्या। तो जिया की मम्मी कहती है कि रूही हमारे कुल देवी के तुम्हें दर्शन करने हैं, जो भी नए दूल्हा दुल्हन होते हैं उन्हें वो सबसे पहले वहाँ जा कर के उनकी पूजा करनी होती है, उसके बाद ही जी वो अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं ना। तो रूही कहती है हाँ मम्मी तो हम अभी जा कर के पूजा कराते हैं ना। तो जिया की मम्मी कहती है नहीं बेटा आज सैटरडे है और कल संडे है, इन दोनों दिनों में पूजा नहीं हो सकती ना। तो रूही कहती है ठीक है माँ। तो जिया की मम्मी कहती है ठीक है लेकिन पूरी बात तो सुनो। तो रूही कहती है जी माँ कहिए। तो जिया की मम्मी कहती है कि देखो जब तक तुम दोनों पूजा नहीं कर लेते हो तब तक तुम दोनों साथ नहीं रह सकते हो। तो रूही कहती है मतलब। तो जिया कहती है बुद्धू हम साथ रह तो सकते हैं लेकिन हम साथ नहीं रह सकते, मतलब कि हम हमारे रिश्ते में आगे नहीं जा सकते। तो रूही कहती है यार एक मिनट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ना। तो जिया की मम्मी कहती है कि चलो तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हें समझाती हूँ ना। तो जिया की जो मम्मा होती है वो जी रूही को अपने साथ ले जाती है और बताती है कि अब दोनों को एक दूसरे से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा ना, मतलब लवी डवी वाले मोमेंट्स को अब बंद करो क्योंकि जब तक तुम पूजा नहीं कर सकते हो तब तक साथ नहीं रह सकते हो। तो रूही जो होती है फिर अपना सर पकड़ लेती है और कहती है सच में जब तक पूजा नहीं करेंगे तब तक रोमांस नो। तो जिया की मम्मी कहती है हाँ रोमांस नो। तो रूही कहती है ओके माँ। तो उसके बाद जिया की जो मम्मी होती है वो रूही को जी हॉल में ले जाती है जहाँ पे सब लोग ऑलरेडी बैठे होते हैं ना। तो वहाँ पर जाने के बाद जी रूही और जिया को साथ बैठा देते हैं। तो उसके बाद जिया की दादी कहती है कि चलो भाई अब एक रस्म करनी है हमें। तो जिया कहती है कौन सी रस्म। तो उसकी दादी कहती है कि अरे शादी के बाद नए दूल्हा दुल्हन जो होते हैं वो लोग अंगूठी की रस्म करते हैं, तुम्हें पता नहीं है जिया। तो जिया कहती है अरे दादी मैं तो भूल ही गई थी ना, तो चलो चलो जल्दी से करते हैं ना। तो उसके बाद जी अंगूठी ढूंढने की रस्म होती है ना, मतलब थाल के अंदर एक अंगूठी को मतलब डाल देते हैं और कहते हैं ना कि जो इस खेल को जीतता है घर में उसी की चलती है ना। तो जिया कहती है देखना दादी ये तो मैं ही जीतूँगी ना, आफ्टर ऑल मेरी चलेगी। तो रूही जो होती है वो कुछ नहीं कह रही होती है, वो बस स्माइल कर रही होती है ना। तो जिया की मम्मी कहते हैं देखते हैं किसकी चलती है, फ़िलहाल खेलना तो शुरू करें। तो उसके बाद जिया और रूही जो होते हैं वो इस खेल को खेल रहे होते हैं लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी जिया को तो वो रिंग नहीं मिल रही। कभी उसके हाथ में गुलाब आ जाता है तो कभी उसके हाथ में काजू आ जाता है तो कभी उसके हाथ में वैसी कोई गोल सी चीज़ आ जाती है ना। तो जिया की मम्मी कहती देखा इतना आसान भी नहीं है ना ढूंढ के बताओ। तो जिया कहती हाँ मम्मा ढूंढ रही हूँ ना, देखना जीतूँगी तो मैं ही। तो उसके बाद ये दोनों मतलब ढूंढ रहे होते हैं, इनको रिंग नहीं मिलती होती। तो जिया को जी थोड़ी सी शैतानी सोचती है ना, तो रूही का ना हाथ पकड़ लेती है पानी के अंदर ही। तो रूही जो होती है फिर उसे ना घूर के देखती है कि छोड़ो मेरा हाथ। तो जिया जो होती है वो आँखों में कहती है ना नहीं छोड़ूंगी, ये हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है। तो रूही कहती है पागल हो सब यहीं बैठे किसी ने देख लिया तो। तो जिया कहती है अरे कोई भी नहीं देखेगा ना तुम फिक्र मत करो और खेलो ना यार मुझे ऐसे खेलने में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो रूही कहती है चुप रहो बदतमीज़ हो तुम छोड़ो। तो जिया जो होती है वो मतलब इशारे में कहती है नहीं मैं तो नहीं छोड़ूंगी। तो रूही जो होती है कहती है अच्छा बेटा अभी बोलो मैं बताती हूँ। तो जिया का ध्यान जी रोमांस में होता है लेकिन रूही का ध्यान जो होता है वो पूरा अंगूठी ढूंढने में होता है ना। तो थोड़ी देर के बाद जी रूही को तो वॉलिंग मिल जाती है। तो रूही कहती है ये मैं जीत गई। तो जिया जी कहती है यार तुमने तो चीटिंग करी। तो रूही कहती है क्या चीटिंग करी मैंने, ढूंढ ली ना तुम्हारे पास भी तो मौका था तुमने नहीं ढूंढी। तो जिया कहती है अच्छा अभी तुम्हें बताती हूँ ना। तो रूही जिया की मम्मी कहती है कि देखा वो जीत गई ना, अभी तुम्हारे पास दो चांस है, अगर तुम्हें जीतना है ना तो इन दोनों चांसों में तुम्हें जीतना पड़ेगा जिया। तो जिया कहती है ठीक है माँ अब वापस डालो मैं आपकी बार जीतूँगी। तो सेकेंड टाइम भी ये लोग रिंग ढूंढ रहे होते हैं लेकिन सेकेंड टाइम भी रूही जीत जाती है ना। तो सब लोग रूही के लिए ना क्लैप करते हैं कि अब तो थर्ड टाइम है, अब तो अगर जिया जीत भी जाती है तो भी कोई फ़ायदा नहीं है ना क्योंकि रूही ऑलरेडी दो बार जीत चुकी है। तो जिया की मम्मी कहती है ओ शिट जिया घर में मुझसे तुम्हारा राज चला जाएगा अब, अरे रे 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 तुम्हारी नहीं चलेगी। तो जिया कहती मम्मी ऐसा थोड़ी ना होता है, खेल जीत गई तो कोई इसकी थोड़ी ना चलेगी, मेरी चलेगी मेरी, खेल जीतने से क्या होता है। रूही तुम वैम मत पालना ना, ये तो बस ऐसे ही रस्में होती है मजाक होता है, ऐसा सीरियस थोड़ी ना होता है। तो रूही जो होती है फिर हंस रही होती है और जो बाकी के लोग भी होते हैं वो भी जिया की बात पे हंस रहे होते हैं।
जिया की मम्मी कहती है कि आप इसी टाइम डाल दें। तो जिया कहती क्या फ़ायदा मम्मा, जीत के भी अब कुछ नहीं मिलेगा हाथ, तुम्हें काम करो रुई, तुम ही ढूंढ लो ना, हैट्रिक मार लो। तो रुई जो होती है कहती है ठीक है जैसा तुम ठीक समझो। तो जिया कहती अरे कैसे ठीक समझो, एक बार तो मुझे जीत लेने दो, अब की बार मुझे जीतना दो ना यार, क्या तुम भी। तो रुई कहती है कि अगर जिया तुम जीतना चाहती हो तो खेल के ऊपर ध्यान दो ना, यहाँ वहाँ अपना ध्यान मत भटकाओ, जीतना है तो ध्यान दो। तो जिया कहती है अच्छा बच्चू ठीक है, तो अब मैं खेल के ऊपर ही ध्यान दूंगी और देखना इस बार तो मैं ही जीतूंगी। तो तीसरी टाइम जो होता है वो रिंग को ना उसमें डाल दिया जाता है, और उसके बाद जिया दोनों रिंग ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तीसरी बार भी रूही जीत जाती है ना। तो रूही जो होती है वो रिंग को हवा में मतलब अपने हाथ में लेके कहती है देखा मैं ही जीती ना। तो जिया कहती है ओ ये बेकार बेकार से खेल है ना, हम नहीं खेलते, बच्चों वाले खेल है यार, तुम जीत गई तुम खुश हो जाओ, मैं तो जानबूझ के हार गई ना, मुझे तो पता ही था तुम्हें बहुत खुशी होगी इसलिए मैं जानबूझ के हार गई। तो जिया की दादी कहती है अच्छा बेटा जानबूझ के हार गई हाँ। तो रूही कहती है सच्ची में जानबूझ के हार गई ना, अभी थोड़ी देर पहले तो कोई गुस्सा हो रहा था कि मैं ही जीतूंगी मैं ही जीतूंगी। तो जिया कहती है कि हाँ तो क्या हुआ, अगर अंगूर हाथ ना आए तो कह दो अंगूर खट्टे हैं कोई फ़ायदा नहीं है, मैं नहीं जीती इसलिए मैंने कह दिया, खेल ही बेकार है। तो जिया की इस बात पे जी सब लोग हंसने लग जाते हैं, और ये लोग है जी ऐसे ही हंसते खेलते मतलब बैठे होते हैं। तो इतने में जिया के पापा और जो दिया की दादी होती है वो वहाँ से चले जाते हैं। तो जी उस वक्त मतलब फिर उस टाइम हॉल में जी जिया की मामा चाची चाचू चाचू के बच्चे और जिया की फ्रेंड निधि जो होते हैं वो वहाँ पर होते हैं ना। तो निधि जो होती है वो जिया को तंग करने के लिए कहती है कि जिया तेरी आँखें सूज रही है एकदम लाल लाल हो रही है, क्या तू रात को सोई नहीं। तो जिया इसका जवाब देती, इतने में जी उसके चाचा चाची के जो बच्चे होते हैं मतलब कि आरोही और ऋषि, वो कहते हैं कि दीदी शादी की पहली रात को भी कोई सोता है क्या। तो जिया जो होती है फिर उन बच्चों की साइड देखती है, और जो बाकी के लोग भी होते हैं ना वो भी बच्चों की साइड देख रहे होते हैं ना। तो जिया जो होती है फिर अपनी चाची से कहती है कि चाची ये सच में आप ही के बच्चे हैं, मुझे तो लगता है ये आप पे ही गए हैं। तो उसकी चाची कहती है हाँ बेटा आज मुझे भी यकीन हो गया ना कि ये मेरे ही बच्चे हैं। तो इतने में बच्चे कहते हैं कि और नहीं तो क्या दीदी, हमने तो आपसे कहा था हम आपके साथ रुक जाते और हम सारे गिफ्ट्स खोलेंगे, लेकिन आप ही थी नहीं जाओ जाओ जाओ, हमने तो आपसे कही थी ना जब आप अकेले आए थे रूम के अंदर, हमने आपसे कही थी हम आपके साथ खेलेंगे आपके साथ सारे गिफ्ट्स खोलेंगे, लेकिन आपने अकेले बैठ के सारे गिफ्ट्स खोले ना, तभी आके आके सूझ रहे हैं तभी आप नहीं सोए ना, हमें पता है दीदी आप बहुत बुरे हो ना। तो जिया कहती है अरे बच्चों गिफ्ट मैंने सारे नहीं खोले ना, तुम्हारे साथ ही खोलूँगी ना, इनफैक्ट घर जाने के बाद हम सारे गिफ्ट्स खोलेंगे साथ बैठ के खोलेंगे ठीक है। तो आरोही और ऋषि जो होते कहते हैं ये हुई ना हमारी दीदी वाली बात। तो जिया जो होती है फिर रूही की साइड देखती है और कहती है क्या यार बच्चे भी कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। सो उसके बाद जी ये लोग ऐसे ही बैठे होते ना, तो रूही जो होती है फिर वहाँ से उठ कर के जी ऊपर की साइड जा रही होती है ना। तो जिया जब ये देखती है तो वो उसके पास आती है और कहती है ओए क्या हुआ। तो रूही कहती है कुछ नहीं। तो जिया कहती नहीं कोई तो बात है बताओ। तो रूही कहती कुछ नहीं बस मम्मा पापा के पास जा रही थी ना। तो जिया कहती अरे हाँ मम्मा पापा कहाँ हैं, वो तो नीचे आए नहीं। तो रूही कहती है कि नहीं वो मामू से बात कर रहे हैं ना, और पापा के थोड़े सर में दर्द था इस वजह से। तो जिया कहती है सब ठीक है ना। तो रूही कहती है कि हाँ हाँ सब ठीक है, वो आ ही रहे थे ना बट फिर मामू का कॉल आ गया तो मामा उनसे बात कर रही थी सो इस वजह से वो नहीं आए। तो जिया कहती चलो ठीक है लेकिन तुम नाराज़ क्यों। तो रूही कहती मैं क्यों नाराज़ होंगी। तो जिया कहती नहीं कोई तो बात है, नाराज़ नहीं हो तो क्या बात है रूही बताओ। तो रूही कहती नहीं कोई बात नहीं है। तो जिया कहती साइड में आ तू बात करनी मुझे तुमसे। तो जिया जो होती है फिर रूही को ना थोड़ा साइड में ले जाती है और उसे कहती क्या हुआ है। तो रूही जो होती है फिर जिया को ना हक कर लेती है। तो जिया कहती क्या हुआ जान। तो रूही कहती कुछ नहीं पता है मम्मा ने क्या कहा। तो जिया कहती क्या कहा। तो रूही कहती है उन्होंने कहा कि ना हमें दो दिन तक एक दूसरे से दूर रहना है। तो जिया कहती मुझे पता है। तो रूही कहती तुम्हें पता है और तुम एकदम ऐसे कोई रिएक्शन नहीं दे रही हो यार जिया। तो जिया कहती अरे पापा जब दूर रहना है तो रहना है, क्या कर सकते हैं, अब हमारी शादी ऐसे टाइम पर हुई है कि हम क्या कर सकते हैं।
तो रूही कहती है, यार मुझे नहीं पता ये कैसी कैसी रस्म है, ये कैसा रिवाज है, ये क्या तरीका है ये। तो जिया कहती है, आप क्या कर सकते हैं, यही तरीका है, यही रिवाज है, क्या करें। तो रूही कहती है, मुझे नहीं पसंद आया ये, मैं तो फॉलो नहीं करने वाली। तो जिया कहती, नहीं फॉलो तो करना पड़ेगा ना, सबने फॉलो किया, हमें भी फॉलो करना पड़ेगा। तो रूही कहती है कि नहीं मुझे नहीं करना। तो जिया कहते हैं, अरे एक बात बताओ, जब मैं तुम्हारे पास खुद आती हूँ तब तो तुम बहुत नाटक करती हो, अब जब तुम्हारे पास ये मौका है तो तुम कह रही हो कि तुम्हें नहीं करना है। क्या बात है रूही। तो रूही कहती, यार वो सब मुझे नहीं पता, पर अब नहीं। तो जिया फिर हंसने लग जाती है और कहती, यार बहू तुम क्यों परेशान हो रही हो ना, 2 दिन की तो बात है बस। तो रूही कहती, नहीं मुझे नहीं पता, मैं वो नहीं पता, बस मुझे नहीं पता। तो जिया फिर रूही को ना हक कर लेती है और कहती, बाबू सिर्फ 2 दिन ना, सैटरडे और संडे, और देखो आज तो हम यहीं रुकेंगे तो आज की बात है, कल तो हम यहाँ से वैसे भी जाने वाले हैं, तो हम वैसे भी ट्रैवल की वजह से थक जाएंगे, घर पे सो जाएंगे, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है ना। तो रूही होती है लेकिन कुछ नहीं कहती, और बस जिया के ना हक करके ऐसे खड़ी होती है। तो जिया जो होती है फिर उसे ना संभालती होती है। तो इतने में रूही की जो मम्मा होती है वो उसे ना आवाज़ लगा लेती है। तो जिया कहती, देखो मम्मा आवाज़ लगा रही है ना, जाओ तुम उनके पास हो जाओ और ये ना अपना मुंह ठीक करो, 2 दिन की तो बात है ना बाबू, आधा दिन देखो अब निकल गया, बाकी का 1.5 दिन बचा है, जिसमें से कल हमें आधा दिन वैसे ही लग जाएगा, 1 दिन देखो बीत गया, और रही 1 दिन की बात, तो हम दोनों एक दूसरे के सामने ही तो हैं, कहाँ दूर जा रहे हैं। तो रूही कहती है, और ऐसा बोल के रूही जो होती है वो वहाँ से ना चली जाती है। लेकिन जिया जो होती है वो परेशान हो रही होती है ना, कि रूही इतना परेशान क्यों हो रही है, उसके फेस पे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो। लेकिन फिर जिया इस बात पे थोड़ा ध्यान भी नहीं देती, उसे लगता है कि शायद हो सकता है रूही डिस्टेंस की वजह से ऐसा कर रही है ना, उसे मेरी आदत हो गई हो। सो जिया जो होती है उसके बाद जी अपने फैमिली वालों के पास चली जाती है और उनके साथ बैठ के ना थोड़ी देर मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। तो इतने में जी जिया की जो दादी होती है वो वहाँ पर आती है और कहती है कि जिया रूही क्या तुम लोग तैयार हो। तो जिया कहती है कि दादी क्या हुआ, रूही तो यहाँ नहीं है, बताइए। तो जिया की दादी कहती है, रूही कहाँ है। तो जिया कहती है, वो अपने मम्मी पापा के पास गई है ना, आप बताओ क्या हुआ। तो जिया की मम्मी कहती है, हाँ मम्मी क्या हुआ आप बताइए। तो जिया की दादी कहती है कि आज इन दोनों को पूजा करनी है, क्या किसी को याद नहीं है। तो जिया की मम्मी कहती है कि पर मम्मा आज तो सैटरडे है ना, और सैटरडे संडे को तो पूजा नहीं कर सकते। तो जिया की दादी कहती है कि अरे सैटरडे संडे को पूजा नहीं कर सकते पता है, लेकिन पंडित जी ने क्या ना आज का मुहूर्त निकाला है, आज बहुत ही शुभ दिन है ना, तो ये दोनों चाहें तो पूजा कर सकती हैं। तो जिया जो होती है वो बहुत खुश हो जाती है, कहती सच्ची दादी हम पूजा कर सकते हैं। तो जिया की दादी कहते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, तभी तो तुम दोनों से कहने आई हो ना कि शाम को रेडी रहना, लेकिन रूही तो यहाँ नहीं है, जिया तुम उसे बता देना। तो जिया कहते हैं, जी दादी मैं उसे ज़रूर बता दूँगी ना। तो ऐसा बोल के जिया की जो दादी होती है वो वहाँ से चली जाती है। तो जिया जो होती है ना बड़ी खुश हो रही होती है ना इस बात से। तो जिया की मम्मी जो होती है उसके पास आ कहती है, वाओ लगता है रूही के आने से तुम्हारी किस्मत ज़्यादा चमक गई है जिया, जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तो जिया कहती है, हाँ वो मेरा गुड लक है ना, माई स्वीट गुड लक चार्म। तो जिया की मम्मी कहती है, बात तो सही है लेकिन ज़रा ये न्यूज़ तुम रूही को भी बता दो। तो जिया कहती है, हाँ मम्मी मैं उसको बता देती हूँ, तो बहुत खुश हो गई, उसको जब पता चला कि ऐसा कुछ है तो उसका तो दिमाग ख़राब हो गया ना, अपसेट है, उसका ज़रा चेहरा देखो कितना उतरा हुआ है। तो जिया की मम्मी कहती है कि उतरा हुआ तो है लेकिन सिर्फ इस बात से रूही का चेहरा इतना उतरा हुआ है, मुझे नहीं लगता। जिया तुमने रूही को परेशान तो नहीं किया ना। तो जिया कहती है, नहीं मम्मा। तो जिया की मम्मी कहती, पक्का ना, कहीं तुमने उसे कुछ कहा हो या तुम्हारे बीच में कोई बात हुई हो, देखो तुम मुझे बता दो, क्योंकि रूही का फेस कुछ ज़्यादा ही अपसेट होने लगता है ना। तो जिया कहती, अरे मम्मा नहीं कुछ नहीं कहा, और वो सिर्फ सच्ची इस बात से परेशान है, और हमारे बीच में ना सब कुछ ठीक है, इनफैक्ट हमारे बीच में अगर कुछ ठीक नहीं भी होता है ना तो इतना बड़ी कोई बात नहीं होती कि उसकी वजह से रूही इतना परेशान रहे ना। तो जिया की मम्मी कहती, पक्का। तो जिया कहती, हाँ माँ पक्का, और अभी मैं उसके पास ही जा रही हूँ ना, उसे ये बात बता के आती हूँ, वो देखना उस ये सुनने के बाद ना उसका चेहरा एकदम खिल जाएगा, जैसे रोज़ होता है ना एकदम रोज़ जैसे खिल जाता है ऐसे खिल जाएगी वो, देखो अभी जाके बता के आती हूँ ना उसको। तो जिया जो होती है फिर रूही के पास चली जाती है जी उसे बताने के लिए। तो जिया जो होती है वो सीधे ही रूही के मम्मी पापा के रूम में चली जाती है, वहाँ पर रूही उसके मम्मी पापा बैठे होते हैं ना। तो जिया जो होती है फिर उनके पास बैठती है, थोड़ी देर बातें बातें करती है, और उसके बाद
जिया जो होती है वो रूही से कहती है ना कि रूही एक बार तुम मेरे साथ चलना, मुझे तुमसे कुछ काम है। तो रूही जो होती है फिर जिया के साथ जी उनके रूम में चली जाती है। तो जिया कहती है रूही, तो रूही कहती है हाँ बोलो। तो जिया कहती जानू, तो रूही कहती क्या, तो जिया कहती बाबू। तो रूही कहती अब तुम बोलोगी कि नहीं बोलोगी। तो जिया कहती जानू टाइम बताओ क्या हो रहा है। तो रूही कहती हूँ 2 बज रहे। तो जिया कहती ओ 2 बज रहे, तुम रेस्ट करते हैं। तो रूही कहती है क्यों। तो जिया कहती है अरे बाबू क्या है ना कि हमें है ना 6 बजे कहीं जाना है ना। तो रूही कहती है 6 बजे जाना है, तो कहाँ जाना है। तो जिया कहती है वो क्या है ना कि अभी अभी मैं दादी से मिल के आ रही हूँ और दादी ने मुझे बताया है कि आज हम पूजा कर सकते हैं, तो पूजा करने के लिए हमें शाम को 6 बजे तक रेडी होकर के उनके साथ जाना है ना। तो रूही होती है फिर इस बात से ना काफ़ी खुश हो जाती है और वो जिया को ना हक कर लेती है सच्ची सच्ची कह रही हो तुम। तो जिया कहती है सच्ची 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 मुझी कह रही हूँ ना मैं। तो रूही कहती है यस, लेकिन मम्मी ने तो कहा था कि आज सैटरडे और संडे है, दोनों टाइम पूजा नहीं कर सकते। तो जिया कहती है अरे तुम और मैं साथ है ना, हमारे मिलने से कायनात खुश हो गई, कायनात खुश हो गई। तो उन्होंने पंडित जी को आशीर्वाद दिया, पंडित जी को आशीर्वाद दिया तो उन्हें आइडिया आया कि यार आज तो इतना शुभ दिन है और इतने शुभ दिन में तो हम पूजा कर ही सकते हैं ना। तो रूही कहती है सच्ची। तो जिया कहती है हाँ मेरी जान सच्ची सच सच कह रही हूँ ना, इसलिए कह रही हूँ अभी अगर आपको रेस्ट करना हो तो आप रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि आज जी आपको मम्मा और चाची रेडी करेंगी ना। तो रूही कहती है वो क्यों रेडी करेंगी, मैं खुद रेडी हो जाऊँगी। तो जिया कहती है अरे बुद्धू तुम ना चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता, अब मैं तुमसे कह रही हूँ ना मम्मा और चाची तुम्हें रेडी करेंगी तो बस। तो रूही कहती है ओके, तो जल्दी से पूरा रेडी करने के लिए आ जाए ना। तो जिया कहती है ओ हेलो 2 बजे, 2 बजे से रेडी होकर के क्या करोगे तुम। तो रूही कहती है और ये क्या है यार, कब तक रेडी करेंगे, मुझे हम कब तक जाएंगे। तो जिया कहती है अरे बाबा मम्मी और आ जाएंगे ना तुम्हें रेडी कर देंगे, कहाँ की जल्दी हो रही है, 6 बजे जाना है हमें और अभी 6 को बजने में बहुत टाइम है ओके। तो रूही कहती है यार मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा ना। तो जिया कहती है अच्छा इंतज़ार नहीं हो रहा, जैसे अगर मान के चलो आज ये पूजा नहीं करनी होती तो क्या हम दिन में भी नाइट। तो रूही कहती पागल हो तुम चुप हो जाओ। तो जिया कहती अरे मैं क्यों चुप हो जाऊँ, तुम ही तो कह रही हो कि इंतज़ार नहीं हो रहा इंतज़ार नहीं हो रहा, अगर इंतज़ार नहीं हो रहा है तो हम कर सकते हैं ना रोमांस लवी डवी। तो रूही जो होती है फिर जिया के शोल्डर पे हल्का सा मारती है और कहती क्या यार तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना बिल्कुल भी। तो जिया कहती आले मिला बाबू मैं शीत बाबू, कब से मिस कर रही थी ना इस्माइल को, काम का जब से मम्मी ने बताया तब से मुँह फुला के बैठी हो, मुँह सुझा के बैठी हो तुम भी ना, देखो अब कितनी स्वीट लग रही हो। तो रूही कहती है तो जिया जो होती है फिर रूही के ना कमर में अपने हाथ डालती है और उसे अपने तरफ खींचती है ना। तो रूही कहती है ये क्या हो रहा है। तो जिया कहती है क्या ना मेरी जान इतनी खूबसूरत जो लग रही है रेड साड़ी में, तो सोचा थोड़ी देर के लिए ज़्यादा ज़्यादा नहीं कम कम रोमांस तो हो सकता है ना। तो रूही कहती चुप रहो आपको लंच नहीं करना। तो जिया कहती लंच करना है बट फिलहाल क्या ना मुझे भूख से ज़्यादा प्यास है, तो पहले प्याज बुझा लेते हैं फिर भूख मिटा देंगे। तो रूही कहती यार शर्म कर लो तुम। तो जिया कहती शादी के बाद अगर शर्म की जाए तो क्या खाक साथ फेरे लेके इतना खर्चा किया ना मैंने। तो रूही कहती हाँ। तो जिया कहती तो बाबू थोड़ी देर प्यार करते हैं उसके बाद लंच कर लेंगे, कहना कि आपको पता है ना प्यार करने के बाद भूख ज़्यादा लगती हो, मेरा तो आपको पता ही है ना मुझे तो रोमांस करने के बाद सच में बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो अगर आप चाहती हैं कि मैं ज़्यादा ज़्यादा खाना खाऊं तो कुछ हो जाए। तो रूही कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, चुपचाप रही है बस आप ठीक है। तो जिया कहती है अरे यार ऐसा थोड़ी ना होता है, तुम तो मुझे प्योर वेजिटेरियन बना रही हो ना। तो रूही कहती है हाँ कुछ देर के लिए तो आपको प्योर वेजिटेरियन बनना ही पड़ेगा। तो जिया कहती नहीं मुझे नहीं बनना। तो रूही कहती बनना पड़ेगा। तो जिया कहती नो। तो रूही कहती यस। तो इतने में जी वहाँ पे जो सर्वेंट होता है वो इन दोनों के रूम के बाहर है ना नॉक करते हैं। तो जिया कहती यार ये कौन है और क्यों है, क्या जरूरत आ रही है ना हमारे प्यार के बीच में दुश्मन बनने की। तो रूही कहती है कोई बात नहीं ना देखो ना कौन है। तो जिया कहती यार मैं नहीं देखने जा रही, जब देखो तब कोई ना कोई हमारे प्यार के बीच में आ जाता है अपना टांग फंसाने के लिए, ये नहीं कि अपनी टांगों को लेकर वहीं वो चला जाए, नहीं इस रूम के बाहर हाथ और टांग हर किसी के, मेरे को नहीं जाना यार मेरे को नहीं पसंद
कोई डिस्टर्ब करे हमारे प्यार के बीच में। तो रूही कहती हूँ जाओ। तो जिया कहती यार। तो रूही कहती गो। तो जिया कहती ओके जा रही हूँ। तो जिया जो होती है फिर रूह खोलती है। तो सर्वेंट उसे कहते हैं ना कि मैम आपको नीचे बुला रहे हैं। तो जिया कहते हम तुम जाओ आ रहे हम। तो जिया फिर रूम में वापस आती है ना, गेट बंद करती है। तो रूही कहती है चले। तो जिया कहते हाँ तुमने सुन लिया ना। तो रूही कहती है हो नहीं तो क्या, सब नीचे बुला रहे हैं और हम रूम में क्या सोचेंगे सब लोग, चलो। तो जिया कहती है क्या सोचेंगे क्या सोचेंगे, मैरिड कपल है, नई नई शादी हुई है, सब जानते हैं, प्यार कर रहे होंगे और क्या कर रहे होंगे, अकेले टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। तो रूही कहती बेशरम लड़की, शर्म कर लो, तुम्हारे पेरेंट्स हैं यहाँ पे, दादी है यहाँ पे, चाचा चाची है यहाँ पे, और तुम्हारे हुए मतलब जो अभी पेरेंट्स बने हैं तुम्हारे सास ससुर वो भी हैं यहाँ पे, कभी तो किसी की इज्जत कर लिया करो ना, किसी का मान रख लिया करो। तो जिया कहती सबका तो मान रख रखा है, सबके सामने नहीं करती ना तुम्हारे साथ रोमांस, और क्या चाहती, और इससे ज़्यादा क्या मान रखूँ मैं सबका, अब बंद कमरे में अपनी ही बीवी से दूर रहूँ, ये कौन सा मान सम्मान है। तो रूही कहती हाय जानू एक बार फिर बोलो ना। तो जिया कहती क्या बोलूँ। तो रूही कहती है अपनी बीवी से दूर रहो एक बार और बोलो ना। तो जिया कहती है अच्छा आपको सुनना है तो ये लीजिए। तो जिया जो होती है फिर रूही के ना कमरे में हाथ डालती है और कहती है मैं मेरे बंद कमरे में मेरी बीवी से इतना दूर रहूँ, उफ ये जुदाई मार देगी, कम बखती है जुदाई। तो रूही कहती है आपकी नदाओं पर तो ना सच्ची दिल लुटाने को जी चाहता है। तो जिया कहती है दिल 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 मत लुटाओ, और कुछ लुटा दो, क्या ना कि दिल मेरे पास है उसे लुटाओगे, मुझे ही लुटाओगे, नो। तो रूही जो होती है फिर हंसने लग जाती है और कहती है चले जान अगर आपका हो गया हो तो। तो जिया कहती है ओके जान चलते हैं। तो उसके बाद जिया और रूही जो होते हैं ना वो सबके साथ चले जाते हैं, मतलब रूम से सबके साथ बैठने के लिए चले जाते हैं, और ऐसे ही उनका मतलब शाम के 4 बज जाते हैं। तो उसके बाद जिया और रूही जो होते हैं ना वो रेडी होने के लिए जी अपने रूम में आ जाते हैं। तो जिया कहती है कि जानू अब थोड़ी देर में मम्मी और चाची आ जाएंगी ना आपको रेडी करने के लिए, तो आप उन दोनों के साथ मतलब वो आपको रेडी कर देंगी, मैं इतने दूसरे रूम में चल जाती हूँ रेडी होने के लिए। तो रूही कहती है क्यों वो आपको रेडी नहीं करेंगी। तो जिया कहती है नहीं वो मुझे रेडी नहीं करेंगी, आपको रेडी करेंगे। तो रूही कहती है लेकिन आप दूसरे रूम में जा रहे हो, यहीं पे चेंज कर लो, अब मुझसे कैसी शर्म, आपकी आफ्टर ऑल बीवी जो हूँ। तो जिया कहती है कि बात तो तुम सही कह रही हो ना, लेकिन मेरी जानू आपको परेशानी होगी ना, और मम्मी और चाची भी आने वाले हैं, तो आप यहीं रेडी हो जाइए, मैं दूसरे रूम में चले जाती हूँ। तो रूही कहती है ठीक है लेकिन है कहाँ पे मम्मी और चाची। तो इतने में जी जिया की मम्मी और उसकी जो चाची होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। तो कहते हैं कि लो हमें याद किया और हम आ गए। तो रूही और जिया जो होते हैं फिर उन दोनों की साइड देखते हैं और इस छोटी सी स्माइल करते हैं। तो जिया की चाची कहती है कि चलो चलो अब जाओ यहाँ से जिया तुम। तो जिया कहती है हाँ चाची जा रही हूँ मैं कौन सा यहाँ बैठ रही हूँ, और आप जल्दी से रेडी कर देना रूही को, हमें लेट हो जाएगा कहीं पूजा के लिए तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जिया की चाची कहती है हाँ हाँ हम समय से पहले तैयार कर देंगे, हम भी तो जानते हैं आखिर हमारी भतीजी को कितनी ज़्यादा जल्दी है ना इस पूजा की। तो जिया कहती है हाँ तो मुझे जल्दी नहीं होगी, आपको जल्दी नहीं थी इस पूजा की, ध्यान करो ध्यान करो। तो जिया की चाची कहती तुम्हें सच में याद है। तो जिया कहती और नहीं तो क्या, मुझे बहुत अच्छे से याद है ना आपने चाचू से क्या क्या कही थी, मुझे बहुत अच्छे याद है, हालांकि मैं बची थी लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो जिया की चाची जो होती है फिर जिया के शोल्डर पे मारती है और कहती ना बेशरम कहेंगी थोड़ी सी तो इज्जत रख लो। तो जिया कहती चाची जब आप मस्ती करो तो नो इज्जत, और मैं मस्ती करूँ तो इज्जत। हाँ तो इतने में जिया की मम्मी कहती है तुम दोनों को देख के ना कोई नहीं कह सकता कि चाची भतीजी हो ना, एकदम दोस्त लगते हो। तो जिया की चाची होती है फिर जिया को ना मतलब हल्का सा हक करती है, कहती है तो हम दोनों दोस्त ही हैं क्यों जिया। तो जिया कहती है और नहीं तो क्या, वी आर बडीज हाँ। तो रूही कहती है कि अगर आप दोनों की गैंग में तीसरा शामिल हो सकता है तो मुझे भी कर लो ना। तो जिया कहती है और मतलब बाबू आप तो बिल्कुल हमारे साथ ही हो ना, हमारे साथ शामिल हो क्यों चाची। तो जिया की चाची कहती है हाँ बिल्कुल लेकिन इसके लिए तो मैं शैतान बनना पड़ेगा ना जैसे हम दोनों हैं। तो जिया की मम्मी बोलती नहीं मेरी बहू को शैतान बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, तुम दोनों जैसे बदतमीज़ और बदमाश हो ना बिल्कुल मेरी बहू को बनाने की ज़रूरत नहीं आ रही है, ठीक है वो बहुत शरीफ है उसे वैसे ही बनाया रहता।
बिगाड़ो मत उसे। तो रुई जाती है, फिर जिया की मम्मी के गले लग जाती है और कहती है देखो ना ये मुझे भी बिगाड़ देंगे। तो जिया की मम्मी कहती है ऐसे कैसे बिगाड़ देंगे ये लोग, आए बड़े दोनों तो बदतमीज़ हैं एक नंबर के, पता नहीं कैसे टॉलरेट करते हैं घर वाले इन्हें। मेरा बच्चा लेना तो दोनों की टांग खींच के एक बार मैं सीधा खड़ा कर दूँ। तो रुई होती है, फिर हंस रही होती है। तो जिया कहती तुम बेटा मिलना अकेले, बताऊँगी मैं तुम्हें, बहुत हंस रही हो ना तुम। तो जिया की मम्मी कहती हाँ क्या कह रही हो तुम जिया। तो जिया कहते मैं कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला कुछ नहीं बोला। चाची चाची आप रेडी करो, मैं दूसरे कमरे में जा रही हूँ ना तैयार होने के लिए। तो ऐसा बोल के जिया जो होती है वो वहाँ से ना चुपके से निकल लेती है, क्योंकि उसे पता है कि अब अगर उसने कुछ बोला तो पक्का वो अपनी मम्मी से डांट खा लेगी। तो जिया के जाने के बाद जिया की जो मम्मी और चाची होते हैं वो जी रोही को ना तैयार व्यार कर रहे होते हैं। तो जिया जो होती है वो ऑलमोस्ट आधे घंटे के अंदर तो रेडी हो ही जाती है, लेकिन जब वो रूम के अंदर आती है, मतलब जो जिया और रूही का रूम होता है वहाँ आती है, तो वो दरवाज़ा नॉक करती है। तो जिया की चाची कहती है कि बेटा थोड़ी देर के बाद, अभी जी रूही रेडी नहीं हुई है ना। तो जिया कहती है ओके चाची मैं इतने नीचे जा रही हूँ, जब तैयार हो जाए तो मुझे आवाज़ लगा देना। तो जिया की चाची कहती है ओके जाओ तुम। तो जिया जो होती है फिर वहाँ से जी नीचे चली जाती है, और नीचे जी उसके पापा और चाचा के साथ जो होता है वो कुछ बात कर रही होती है ना, मतलब अपने काम से रिलेटेड बातें कर रही होती है। सो उस थोड़ी देर के बाद, मतलब थोड़ी देर क्या 1.5 घंटे के बाद भी रुई जो होती है वो नीचे नहीं आती ना। तो अब जिया से बिल्कुल भी सब्र नहीं होता ना कि यार हद हो गई, इन लोगों का हुए 1 घंटे से भी ऊपर हो गया, पर मजा ले कि कोई भी नीचे आया हो। तो जिया के चाचू कहते हैं तुम जा कर के ऊपर देखो। तो जिया कहते हैं ना मुझे जाना पड़ेगा ना, क्योंकि 6 बजने में बस 15 मिनट बाकी है, और अभी तक अगर रेडी नहीं होंगे ना तो पक्का हम लेट हो जाएंगे ना पूजा के लिए, मैं जाके देख के आती हूँ ना चाचू। तो जिया जो होती है फिर रूम में जाती है, लेकिन अभी भी रूम का दरवाज़ा जो होता है ना वो बंद होता है। तो जिया कहती है कि चाची दरवाज़ा खोलो। तो उसकी चाची कहती है वेट बाबू अभी रूही रेडी नहीं हुई है। तो जिया कहती है कि कोई बात नहीं चाची, पर मुझे तो अंदर काम है ना, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। तो जिया की जो चाची होती है वो जी दरवाज़ा खोल देती है। तो जिया कहती है चाची हटो। तो उसकी चाची कहती क्या इतनी जल्दी कहाँ होती, और मैं भी देखती हूँ कौन सा तुम्हें काम है। तो जिया कहती क्या चाची आप लोग को आए हुए ना 1 घंटा 45 मिनट हो गए हैं, लेकिन ना आप बाहर आ रहे हो ना मामा बाहर आ रही है, ना ही रूही बाहर आ रही है, कितना इंतज़ार करवाते हो आप लोग, और क्या तैयार कर रहे हो उसे मुझे भी तो दिखाओ ना। तो जिया की चाची कहती अरे वेट 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 5 मिनट रुक तो जाओ, बस सब कुछ हो गया है। तो रूही कहती हाँ जिया थोड़ा सा इंतज़ार करो ना, बस रेडी हो गई हूँ ना मैं। तो जिया कहती अरे तुम चुप रहो मुझे देखना है, चलो हटो 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 हटो। तो जिया जो होती है फिर रूम के अंदर आ जाती है ना, लेकिन वो रूही को फिर भी नहीं देख पाती, क्योंकि रूही के सामने जी उसकी मम्मा होती हैं और वो उसे ना तैयार कर रही होती हैं। तो रूही कहती है माँ ये जो आपने मुझे नेकलेस बनाया ना ये लूज़ है, आप इसे टाइट करो ना, और ये देखो ना ये कानों के गिर रहे हैं नीचे, और जो आपने ये मांगती का लगाया मम्मा ये देखो ना ज़्यादा ज़्यादा आगे आ रहा है। तो जिया की मम्मी कहती है उफ ये लड़की जिया तो पहले से इतनी शैतान है ना, लगता है रूही तुम पे भी जिया का असर होता जा रहा है ना, तुम भी शैतान बनती जा रही हो, 2 मिनट रुको तो सही, सब कुछ सही करते हो ना। तो रूही कहती है हाँ मम्मा जल्दी से सही करो ना, मुझे तैयार हो गई जल्दी जल्दी मुझे जानना है। तो जिया की चाची कहती है ये लो जिया अब तुम्हारी दुल्हन को ना तुम ही संभाल लो, पिछले 1 घंटे से ज़्यादा टाइम से नहीं हमें ऐसे ही परेशान कर रही है, मम्मा ये सही नहीं है वो सही नहीं है ऐसे सही नहीं है वैसे सही नहीं है, अब तुम्हारी दुल्हन है तुम देख लो। तो जिया की जो मम्मा होती है फिर वो साइड हो जाती है, और रूही जो होती है फिर जिया को ना अपना फेस दिखाती है, मींस कि जो रेडी हुई होती है ना, तो खड़े होकर के रूही की वो जिया की साइड हरी होती कहती बताओ ना कैसे लग रही हूँ मैं। तो जिया कहती हाय चाची कोई एम्बुलेंस को बुला दो प्लीज़। तो रूही जो होती है फिर शर्मा के अपनी नजरें नीचे कर लेती है, और जो जिया की चाची होती है कहती हाय एम्बुलेंस ही बुलाएं या फिर डॉक्टर भी। तो जिया कहती है कि डॉक्टर तो मेरे सामने है, बस आप एम्बुलेंस बुला दो ना यार, कहीं मेरा हार्ट फेल ना हो जाए। तो रुई जो होती है फिर मतलब ब्लश कर रही होती है। तो जिया कहती है उफ क्या बात है, वैसे मानना पड़ेगा ना आप लोगों ने इसे तैयार तो बहुत 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 खूबसूरत किया है ना। तो जिया की मम्मी कहती है ये बात है। तो रुई कहती है हाँ ठीक है, लेकिन बताओ ना मैं कैसे लग रही हूँ। तो जिया कहती है और मेरी आंखों में देखो ना तुम कैसी लग रही हो। तो जिया की चाची कहती है रूही अभी अभी तो जिया ने बताया कि तुम कैसी लग रही हो। तो
रुई कहती है वो जल्दी मुझे बस सुनना था शब्दों में, ठीक है ठीक है मैं अच्छी लग रही ना, चलो 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 जिया चलो हम लेट हो जाएंगे। तो जिया कहती है हाँ मैं तो भूल ही गई थी ना, चलो चलो जल्दी चलो, देखो एक बार टाइम तो देखो 6 बज गया है, मम्मा चलो चलो चाची चलो रूही चलो चलो फटाक से चलो। तो उसके बाद जिया रूही और जो बाकी के फैमिली वाले होते हैं वो जी इनके कुलदेवी के जो मंदिर होते हैं वहाँ पे चले जाते हैं, और वहाँ पर जी जिया और रूही के नाम से जो पूजा रखी होती है तो वो पूजा कर रहे होते हैं ना। और गाइस अभी हम लोग भी है ना नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, क्योंकि मुझसे इससे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हो रहा था ना, मेरी तो आदत ही छूट गई ना रिकॉर्ड करने की। सो गाइस मैं कहीं मैं अटक जाऊँ या मुझसे कोई गलती हो जाए ना तो प्लीज़ उसका माइंड मत करना और उसे थोड़ा सा इग्नोर कर देना, क्योंकि मेरी हैबिट थोड़ी सी क्या है ना छूट गई है स्टोरी बोलने की, तो वर्ड कुछ बोलना होता है निकल कुछ जा रहा था। सो प्लीज़ डोंट माइंड मत करना उस मतलब यार माइंड मत करना उस बात का, अभी भी सेंटेंस गलत बोल रहे हैं ना, कोई बात नहीं बस एक तो वीडियो रिकॉर्ड करी ना तो उसके बाद सारी चीज़ें बिल्कुल लाइन बाई लाइन सही तरीके से रेल की पटरी की तरह चलने लग जाएगी ना। सो वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना, एंड मैंने जैसा कहा कि हैबिट थोड़ी सी छूट गई है तो इस वजह से रिकॉर्ड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है ना, सो उस बात को इग्नोर करना और लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना, ठीक है चलो टाटा एंड बाय बाय।